लाला लाजपत राय जिला एवं मुक्त सुधार गृह धर्मशाला पहुंचे डीजीपी जेल सोमेश गोयल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश की जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते जेलों में कैदियों को रखने की व्यवस्था करने के लिए सभी जेलों को डबल स्टोरी बनाया जाएगा। इससे जहां आर्थिक खर्च भी बचेगा, वहीं कैदियों को रखने की समस्या भी दूर होगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जेलों में हरियाणा की तर्ज पर हर्बल खेती की जाएगी। इससे जहां कैदियों को काम करने का मौका मिलेगा, वहीं प्रकृति के साथ भी उनका लगाव बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जेलों में रेडियो को शुरू किया गया है, उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा की जेलों में भी रेडियो को शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जेलों में कैदियों को मैट्रेस भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जेलों में शुरू किए गए हर हाथ को कम योजना के तहत गत वर्ष प्रदेश में कैदियों को 1.5 करोड़ रुपए वेतन के रूप में दिया है, जबकि जेल की सालाना टर्नओवर 5 करोड़ के करीब है। तो एक हॉल्ट था और दूसरा ये था कि यहाँ पे भी जो काम हो रहे हैं उनकी भी एक समीक्षा हो जाती। और नई जेलों का हम बात करें तो हम विस्तार कर रहे हैं, जिससे कि ओवरक्राउडिंग हमारे स्टेट में खत्म हो जाए और आने वाले 20-30 सालों में भी ओवरक्राउडिंग की समस्या ना रहे, उस चीज़ को देखते हुए हम अपने यहाँ पे जेलों का विस्तारीकरण कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर भी 2 नई बैरकें बनाई जा रही हैं, एक बैरक का काम चल रहा है, दूसरी बैरक का काम शुरू हो जाएगा। और स्टाफ का भी अभी पिछले 3-4 सालों में हमने 40% एक्स्ट्रा स्टाफ प्रिजन विभाग में बना है, तो जब स्टाफ क्रिएट हुआ है तो उनको रहने की जगह की भी आवश्यकता है, तो उनकी बैरक्स और उनके निवास की भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। कुल्लू में, मंडी में, नालागढ़ में, रामपुर में और किन्नौर में हमारी 5 नई जेलों का निर्माण हो रहा है और इसके बाद हम काफ़ी एक अच्छी स्थिति में होंगे, जहां हमारी ओवर क्राउडिंग शून्य हो जाएगी। हर हाथ को काम, उस विषय का थोड़ा सा हर हाथ को काम एक बहुत ही गेम चेंजर प्रोग्राम है, जिसमें लोग कहते हैं कि योग करा लो या संगीत करा लो तो उससे कैदी को, मेरा कहना है कि भूखे भजन ना होए गोपाला, वो सिर्फ कीर्तन करने से कुछ नहीं होगा, उसको कुछ काम चाहिए, क्योंकि वही अपने परिवार का रोजी रोटी कमाने वाला व्यक्ति है। तो हमने हर हाथ को काम के तहत जो हुनर उनके थे या उनको ट्रेन करा के हमने डिफरेंट इंडस्ट्रीज सभी जेलों में सेटअप की हैं, जिसकी बदौलत हम 1.5 करोड़ रुपए के करीब अब उनको जीविका उपार्जन के माध्यम के साधन के रूप में उनको वेजेस देते हैं। और हमारे बनाए हुए प्रोडक्ट्स पूरे प्रदेश में काफ़ी सराहे जाते हैं। तो हर हाथ को काम से कैदियों को ये फ़ायदा हुआ है कि उनको कुछ आय का साधन हुआ है, दूसरा उनका जो टाइम अच्छा कटता है, दूसरा फायदा उनके परिवार को हुआ है कि वो परिवार को अब कुछ पैसा मिलने लगा है, उनकी आमदनी का जरिया हो गया, उनके बच्चों की देखभाल हो रही है, तीसरा समाज को ये फायदा है कि समाज के जिनको ये मान लिया जाता है कि ये एक ऐसा अंग है जिसको काट देना चाहिए, अब उस अंग को पुनर्स्थापना करने की एक चेष्टा हम कर रहे हैं। और जो लोग हमारे बाहर जाके काम कर रहे हैं, समाज जब उनका व्यवहार देखता है या जेलों में जब विजिट करते हैं, वो देखते हैं उनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं या खाते हैं, तो उनके प्रति उनका जो एक विचार है वो बदलता है। ये हमें फायदा है और हमारे स्टाफ को ये लाभ है, उसका लास्ट जो बेनिफिशियरी है वो हमारा स्टाफ है, कि जेलों में जो पहले झगड़े होते थे, कलह होती थी, उसमें एक बहुत बड़ी भारी संख्या में कमी आई है।